हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स मेक कढ़ी टुडे। आज मैंने कढ़ी की रेसिपी ट्राई की थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने भी पहली बार ही बनाई थी, मुझे अच्छे से बनानी नहीं आती है। मम्मी की हेल्प के साथ मैंने ये वीडियो शूट करी है। सो जो भी बिगनर्स हो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। इसमें मैंने कढ़ी में प्याज के पकौड़े बना के डाले थे। आप चाहो तो सिंपल भी डाल सकते हो, सिंपल बेसन के पकौड़े, या फिर आप आलू के पकौड़े भी डाल सकते हो। सो सबसे पहले मैंने प्याज को लंबा लंबा काटा, उसको बेसन में डाला, एंड देन बेसिक मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी और धनिया का पाउडर, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कंसिस्टेंसी को मैंने इसकी एडजस्ट किया। बेसन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लम्स बन जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको चला चला के मिक्स करना होता है। मैंने बहुत अच्छे से चला चला के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करके मिक्स करा, एंड मीनवाइल मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पर, तेल गर्म होने के लिए रख दिया था पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैंने छोटे छोटे बॉल्स करके पकौड़ी बनाई इसकी, और उसको टिश्यू पेपर में उतार के रख लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो उसमें सोक हो जाए। आप पकौड़ी को अगर पानी में सोक करोगे तो वो सॉफ्ट रहेगी, अगर पानी में नहीं सोक करके रखोगे वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। सो पकौड़ी जब उतार के रखो तभी उसको पानी में डाल के रख देना, सो देट वो सॉफ्ट बनी रहेगी। फिर कढ़ी का बैटर। तो पहले मैंने दही ली, वो अमूल की ली थी, आप घर की बनी हुई भी ले सकते हो या कोई और भी ले सकते हो, इसमें भी मैंने थोड़ा पानी डाला था। उसके बाद कढ़ी के लिए बेसन तैयार किया था, बेसन लिया, बहुत ज़्यादा रनी बनाना होता है इसको, इसमें बहुत सारा पानी डाला और लम्स ना हो इसलिए चला चला के मिक्स किया था। फिर जो दही का बैटर था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। फिर इसमें मैंने तड़का लगाया था, तड़का प्याज का भी लगा सकते हो, लहसुन का भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर प्लेन तड़का लगता है। मैंने पहले रिफाइंड ऑयल में जीरा, हींग और कड़ी पत्ता डाला था। आप कड़ी बना रहे हैं तो कड़ी पत्ता तो मस्त होता ही है। फिर जो बैटर था वो इसमें मिक्स कर दिया, बेसिक मसाले डाले, नमक मिर्ची हल्दी धनिया का पाउडर और किचन किंग, ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से चला चला के पकाना है। इसको ढककर नहीं पकाना होता, चला चला के पकाना होता है, अदरवाइज वो नीचे से चिपकने लगता है कढ़ाई पर। इसको बहुत ही अच्छे से चला चला के पकाना है, एंड देन इसको इंजॉय करना है। आप रोटी के साथ भी कर सकते हो, चावल के साथ भी कर सकते हो, मैंने चावल के साथ किया था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय।